The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Operation. So hernia ka operation kaise hota hai? Hernia mein surgical mesh dala jata hai. Wo surgical mesh kya hai? Kaise dalta hai? देखिए हर्निया हमने बता दिया, कोई भी ऑर्गन कोई भी टिश्यू आपका किसी वीक स्पॉट से बाहर आ रहा है, ज़्यादातर इंग्वाइनल रीजन, अम्बिलिकल रीजन, इंसिजनल हर्निया ऐसी जगहों से जाता है, फीमोरल हर्निया, वो एक बल्ज जैसा महसूस होगा आपका, ये मैंने कहा इंसिजनल, फीमोरल, इंग्वाइनल, अम्बिलिकल, ये सारे हर्निया मोस्टली आपको दिखते हैं बाहर की तरफ, हायाटल हर्निया अंदर होता है, उसका ऑपरेशन अलग होता है। यहाँ हम बात करें बाहरी इस चमड़ी के ऊपर आने वाले हर्निया की, हर्निया का रीज़न के बारे में हम बात कर चुके हैं, वीक एब्डोमिनल मसल्स, वीक कनेक्टिव टिश्यू, एबनॉर्मल एक्सरसाइजेज, बहुत ज़्यादा हैवी ओवरलोड, रेगुलर एक्सरसाइजेज जो विदाउट प्रॉपर स्ट्रेचिंग, विदाउट प्रॉपर रिलैक्सिंग, ओवर एग्जॉशन, उस वजह से आपकी वहाँ मसल्स फट सकती हैं, वो एरिया फट सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करना, बहुत ज़्यादा डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा कफिंग, बहुत ज़्यादा खांसी, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूट्रिशन कम होना, स्मोकिंग, एग्जर्शन, बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से वो मसल वीक हो सकती है, वहाँ का एरिया टिश्यू वीक हो सकता है। बात आखिरी में जो इम्पॉर्टेंट आज करनी है, अभी बतानी है, वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट उसके दो प्रकार से, हमने ऑलरेडी एक बार बताया कि भाई बहुत लोगों को हर्निया है, आप कल्ले नहीं हो, बहुत लोगों को हर्निया है, मतलब 800,000 हर्निया के ऑपरेशन ऑन एन एवरेज हर साल होते हैं पूरे इंडिया में, सिर्फ इंडिया में, यूएस में तो बहुत ज़्यादा होते होंगे। और अगर हम बात करें उसके दो प्रकार से ट्रीटमेंट है, एक तो होता है वेटिंग, वॉचफुल वेटिंग, जिसमें नॉन सर्जिकल ऑपरेशन नहीं करना है, तो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि हर्निया बढ़ तो नहीं रहा, एक वीक स्पॉट है, चलो वीक स्पॉट है, जैसे शर्ट में जो छेद है वो छेद है, छोटा सा छेद है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो फट नहीं रहा, लेकिन अगर वो और फटेगा, सीना तो पड़ेगा नहीं तो शर्ट गया। वैसे ही आपका अगर पेट में हर्निया आ रहा है, जोरा सा थोड़ा सा है, अम्बिलिकल हर्निया है, थोड़ा बाहर आता है और नीचे आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, देन वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, पेन मैनेजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट एंड वॉच। कॉम्प्लिकेशंस को देखना है कि कहीं कोई चीज़ बड़ी होकर फंस ना जाए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, सो दैट इज़ वेट एंड वॉच। अगर लग रहा है कि नहीं शर्ट फट रहा है, नहीं दिक्कत बढ़ रही है, नहीं पेन बढ़ रहा है, नहीं दिक्कत प्रॉब्लम, ऑपरेशन। ऑपरेशन दो प्रकार के, सर्जरी, सर्जरी में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मतलब के लंबा चीरा नहीं पड़ेगा, छेद होंगे, टुचुक टुचुक, ठीक है। सो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, सर्जन बेसिकली तीन छेद करते हैं आपके पेट में, और कोई दो करता है, कोई तीन, कोई चार भी करता है, उसमें ओपनिंग से आप एक लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, और इस बिना किसी चीरे, बड़े चीरे के होता है, बड़े छोटे छोटे टांके लगते हैं, बहुत सारा स्कार नहीं आता है इसमें, तो इसमें क्या होता है, अंदर जाते हैं, मसल्स को हटा के देखते हैं, जो फैशिया या मसल का इस टिश्यू वीक होता है उसको वहीं के वहीं टाका मार देते हैं, मसल्स और फैशिया के ऊपर मेश लगा देते हैं, या कई बार नहीं भी लगाते, सर्जिकल मेश, क्या होता है मेश बाद में अभी बताऊंगा, सो वो लगा देते हैं और फिर चमड़ी बंद कर देते हैं, दैट इज लैप्रोस्कोपिक। यही काम फिर ओपन रिपेयर करके भी किया जा सकता है, ओपन रिपेयर करते हैं सर्जन, जब पूरा लंबा इंसीजन इतना बड़ा, डिपेंडिंग अपॉन द सर्जन, उनकी कितनी कंफर्ट लेवल है, सर्जिकल इंसीजन मारा जाता है, मसल एरिया, वीक मसल एरिया को रिपेयर किया जाता है, और उसमें फिर सर्जिकल मेश डाल के बंद कर दिया। मेश क्या है, एक जाली जैसा चीज़ है जो भाई और बाद में फटेगा तो वापस नहीं आने देगा उसको, राइट, जो प्राइमरी इसको बोलते हैं, राइट, अगर मेश के बगैर क्लोज किया तो उसको बोलेंगे प्राइमरी क्लोजर। प्राइमरी क्लोजर जो है छोटे बच्चों में किया जाता है, छोटे हर्निया में किया जाता है, या इन्फेक्टेड हर्निया में किया जाता है, इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि एक फॉरेन चीज़ वहाँ नहीं डालेंगे इन्फेक्शन के साथ, और छोटे बच्चों में नहीं डालेंगे, उनका तो पेट बड़ा होना है, तो वो छोटा चीज़ कहाँ का कहाँ हिल जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और छोटे सा हर्निया है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो प्राइमरी क्लोजर मेश के बगैर ऐसे चीज़ में, और स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में जब इंटेस्टाइनल आंत जो है उसमें आके फंस गई है, काली हो गई है, मर सी गई है, तब प्राइमरी क्लोजर मेश नहीं लगाया जाता, वरना मेश लगाया जाता है, और क्योंकि इसका रिकरेंस ज़्यादा होता है, एक के बाद एक वापस आ सकता है, इसलिए मेश लगाया जाता है। सर्जिकल मेश उस हर्निया एरिया को स्ट्रेंथ देते हैं ताकि रिकरेंस रेट गप से बहुत कम हो जाता है, और सर्जिकल मेश जो होता है वो पेशेंट का आउटकम, आपका ऑपरेशन का रिकवरी टाइम, वो सब कम कर देगा, जल्दी जल्दी रिकवरी होगी। और सर्जिकल मेश जो होता है, एज आई सेड,
क्या होता है, एक मेडिकल डिवाइस है, इसमें बेसिकली एक सिंथेटिक मटेरियल या कई बार एनिमल टिश्यू से भी बनता है। नॉर्मली आजकल सिंथेटिक मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसमें निटेड मेश होता है या नॉन निटेड शीट फॉर्म होता है, एक शीट जैसा होता है, जाली जैसा कुछ मटेरियल होता है, बट नॉट एग्जैक्टली प्लास्टिक, इट्स अ मेश जो आपके शरीर के अंदर रह सके, और वो एक नॉन एब्जॉर्बेबल होता है, कई बार एब्जॉर्बेबल भी होता है, जो कुछ समय 6 महीने 8 महीने रहे, फिर एब्जॉर्ब हो जाए, खत्म हो जाए, पता भी ना चले, ऐसा भी होता है। कॉम्बिनेशन भी होता है कि थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाए, थोड़ा रह जाए, ऐसा भी रहता है। एनिमल डिराइव टिश्यू से भी बन सकता है, एनिमल टिश्यू से, जैसे कि एनिमल इंटेस्टाइन से, एनिमल स्किन से, जी हाँ, उससे भी बना हुआ रहता है, जिसको प्रोसेस किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है और इम्प्लांटेबल डिवाइस बनाई जाती है। और ये एनिमल डिवाइसेज जो होते हैं एब्जॉर्बेबल होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं थोड़े दिन के बाद। ये बोवाइन पिग या काऊ से भी बनते हैं, जी हाँ, ऐसा हाँ हैरान होने की बात नहीं, ऐसा होता है। बहुत सारी चीज़ें जो एनिमल से निकाल निकाल के आपको दी जाती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दवाइयों में भी, आपके नॉर्मल खाने पीने के कलरों में भी, बहुत सारी चीज़ें एनिमल से निकलती है, ऐसा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नॉन ऑब्जर्वेबल मैश जो होते हैं वो बॉडी के अंदर रहेंगे, और काइंड ऑफ अ परमानेंट इम्प्लांट हो गया, वो तब रहेगा जब आपका परमानेंट रीइन्फोर्समेंट चाहिए कि हाँ भाई बार बार होने का रिस्क है, परमानेंट डाल दिया जाता है। एब्जॉर्बेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एब्जॉर्ब हो जाएगा, उस केस में रीइन्फोर्समेंट नहीं रह जाएगा, आगे चल के रिपीट अगर आप वही चीज़ गलतियाँ फिर कर रहे हो, अगेन प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस इज़ अबाउट दैट। फिर इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, सर्जरी का कोई कॉम्प्लिकेशन? देखिए, मैश डालो नहीं डालो, ऑब्वियसली चीरा लग रहा है, छोटा हो या टाके वाले हो, छोटा हो, पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, एब्डोमिनल में, एब्डोमिन के अंदर ना कनेक्शन, थोड़े बहुत फाइबर कनेक्शंस बन सकते हैं, वेसल्स हो गए, फिस्चुला बन सकते हैं, ये हमेशा साइड इफेक्ट रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्जन, कितना अच्छा सर्जन है, कितना एक्सपर्टीज है, और कितनी अच्छी पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, कितना वहाँ पर एसेप्सिस मेंटेन किया, कितना वहाँ पर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया गया है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। ज़्यादातर इस केस में जो रिकरेंस के रेट होते हैं, एडहेजन्स के रेट होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, बाकी कुछ मेजर चेंज नहीं है। सो हर्निया का ऑपरेशन हमेशा अपने डॉक्टर को आगे चल के बताना है कि भाई मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ, यहाँ वहाँ हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक अबाउट हर्निया एंड हर्नियाज ऑपरेशन, अबाउट सर्जिकल मैश। इसी के साथ दूसरे जो सर्जिकल मैश के अलावा यही चीज़ें होती है, लैप्रोस्कोपिक और सर्जिकल मैश, चाहे किसी भी प्रकार के, किसी भी जगह के हर्निया का करो, इनग्वाइनल हर्निया हो, फ्यूमरल हर्निया हो, अम्बिलिकल हर्निया हो, या कहीं भी हो। अम्बिलिकल हर्निया में अम्बिलिकस को एक बार क्रिएट करना पड़ जाता है कि भाई हाँ धुन्नी है, धुन्नी बनानी है, वरना देखने में अजीब लगेगा। बाकी सारे एरिया में ऐसे कोई चिंता नहीं होती है। अंदरूनी वाला जो हर्निया है, हायाटस हर्निया, उस केस में ऐसा कुछ नहीं होता। हायाटस हर्निया वाले रिपेयर ऑपरेशन में डायफ्राम का रिपेयर होता है, वो रेयरली किया जाता है, उसके साथ जीने का तरीका सिखाया जाता है, वो एक अलग वीडियो है, वो अलग टॉपिक पे ऑलरेडी कवर्ड है। सो थैंक यू सो मच, ये हुई जानकारी आपकी हर्निया की, हर्निया प्रिवेंशन क्योर की। आई होप आपको समझ आया, नहीं समझ आया तो पूछिए सवाल, सवालों के जवाब देने की होगी कोशिश लगातार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।